जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम अशोक है, ये मेरे मित्र हैं मनोज, हम वकील हैं, आपसे कुछ बात करना चाह रहे थे। जी बोलिए, आइए ना। ठीक। आप कुछ दिन पहले एक छोटू नाम के बच्चे को अनाथ आश्रम से अस्पताल लेकर गए थे। हाँ, लेकर गया था ना मैं, उसी के बारे में बस जानना था। मैं क्या बिजली घर जा रहा था, बिजली का बिल भर रहे, तो मैंने देखा कि आश्रम की दीवार से एक बच्चा गिरा। तो किसी ने धक्का दिया था क्या उसको? नहीं नहीं, किसी ने धक्का नहीं मारा उसको, वो अपने आप गिरा था। उसके साथ एक कृष्णा नाम का बच्चा भी था, उस पर ये इल्जाम है कि उसने छोटू को धक्का मारा। वो कैसे धक्का मार सकता है, वो तो पहले से ही नीचे खड़ा था, बल्कि वो तो उसे हौसला दे रहा था। शायद उस बच्चे का बैलेंस बिगड़ गया, इसलिए गिर पड़ा। तो ये बात आपने पुलिस को क्यों नहीं बताई? पुलिस को बताई थी ना मैंने, अस्पताल में मैंने पुलिस को सारी बात बता दी थी, और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आपको हम दवाई के लिए बुलाएंगे। पता नहीं मुझे वापस क्यों नहीं बुलाया। कैसे बुलाते, FIR में नाम ही दर्ज नहीं है इनका। चंदन जी, अगर कोर्ट आपको गवाही के लिए बुलाएगी तो क्या आप आएंगे? बिल्कुल आऊंगा, आप जहाँ कहेंगे गवाही के लिए हाजिर हो जाऊंगा। मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, डरता नहीं हूँ मैं किसी से। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू। यशोदा जी, एक खुशखबरी है। क्या? हमें वो गवाह मिल गया जिसकी गवाही की वजह से हम साबित कर सकते हैं कृष्णा बेगुनाह है। सच? हाँ, अरे उसने खुद देखा है, कृष्णा नीचे खड़ा था जब छोटू ऊपर से नीचे गिरा। अशोक जी, फिर तो कृष्णा जल्दी वहां से निकल पाएगा, वहां का माहौल बहुत खराब है। अशोक जी, वो बबलू कृष्णा की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। हमें अब देर नहीं करनी चाहिए, जल्द से जल्द कृष्णा को वहां से निकाल देना चाहिए हमें। हाँ, पर एक प्रॉब्लम है यशोदा जी। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं आज जज साहब से मिलकर स्पेशल हियरिंग के लिए रिक्वेस्ट तो करूंगा, और जिस तरह से सारे सबूत कृष्णा के पक्ष में जा रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कृष्णा को बेल मिल जाएगी। लेकिन जब जज साहब पूछेंगे बेल मिलने के बाद कृष्णा कहाँ जाएगा, तो इस बात का मेरे पास कोई जवाब है नहीं। और देखिए, कृष्णा नाबालिग है, अभी जुविनाइल से वो बाहर निकलेगा, वापस हम उसे जुविनाइल भेज नहीं सकते। ले देखे, एक ही जगह बसती है, अनाथ आश्रम। नहीं नहीं, वहां जाने का तो मतलब ही नहीं है। पता नहीं इस मामले के बाद वो लोग क्या करेंगे कृष्णा के साथ। तो फिर क्या करें, मेरे पास उनके सवाल का कोई जवाब है नहीं। मेरे पास है अशोक जी। तो क्या करेंगी आप? वही जो इंसानियत जिंदा रखे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कृष्णा को उस अनाथ आश्रम में नहीं जाने दूंगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।